हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। गाइस, ये हमारे पास एक पुराना कार पड़ा हुआ है जो मेरे बच्चे का टूटा हुआ है। देखिए किस तरह टूटा है, उसकी हालत तो एकदम ख़राब है। तो मैंने कहा कि क्यों ना उसे कुछ यूज़ किया जाए। यूज़ तो मैंने, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास ये पुराना ये थर्माकोल भी पड़ा हुआ है, किसी चीज़ में आया हुआ था तो मैंने ये उसी के नाप का कट कर लिया है। और ये फेविकोल लिया है और उसी के बराबर मैंने कट किया है। उसके बाद मैं वहाँ पे फेविकोल लगा के उसको थर्माकोल को अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए ऐसे ही पेस्ट करना है ताकि ये सारे होल्स वो बंद हो जाए। दोनों साइड ही मुझे ऐसे कवर करना है। मैंने सेम साइज की ही कट कर लिया है थर्माकोल। और ये भी मैंने कोई थर्माकोल नया नहीं लिया है, ये मेरे घर में पड़ा हुआ था, कोई सामान आया था। ये देखिए मैंने दोनों साइड लगा लिया है थर्माकोल। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक थर्माकोल का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे, ये देखिए ये बचा हुआ हिस्सा है, मैं उसके ऊपर ये रख दूँगी और उसके बराबर ही मुझे ये उसके ऊपर मैं पेस्ट कर लूँगी। रखने के बाद देखिए ऐसे पहले फेविकोल लगा लेना है। ये चारों साइड से मैंने फेविकोल लगा लिया है। अब लगाने के बाद मैं ये थर्माकोल के ऊपर ही ऐसे पेस्ट कर दूँगी तो ये उसका बेस बन जाएगा नीचे का। अब ये जब सूख जाएगा फिर आप साइड से कट कर दीजिए जो एक्स्ट्रा बच रहा है थर्माकोल। ये मैंने अच्छे से कर लिया है। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी जितना एक्स्ट्रा पार्ट्स है। तो बहुत ही आराम से कट करना है। ये मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद ये मेरे पास ब्लैक आर्टिक कलर है। अब उसके बाद मैं उसे कलर कर दूँगी क्योंकि मैंने इसे इसका व्हील निकाल दिया है, ये पहले से टूटा हुआ था। तो मैं ब्रश की सहायता से इसमें कार का व्हील बना लूँगी। हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के टॉयज पड़े होते हैं और उसको फिर हम लोग फेंक देते टूट जाता है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में भी। और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप पुराने सामान को रीयूज़ कैसे करें। और रीयूज़ के साथ साथ में देखने में भी थोड़ा सा अलग लगे। अभी मैं फ्लावर पॉट बना रही हूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैंने उसका व्हील बना लिया है कार का। अभी जो नीचे का भी थर्माकोल का हिस्सा वाइट दिख रहा है ना, उसको भी पूरा ब्लैक कर दूंगी। थर्माकोल लगाने से क्या है कि ये पानी डालने पे भी ख़राब नहीं होगा। अगर मैं इसमें कार्डबोर्ड लगा दी तो वो पानी से ख़राब हो जाता। थर्माकोल क्या है, वो पानी से भी नहीं ख़राब होगा, तो इसलिए मैंने इस पर थर्माकोल का यूज़ किया है। अभी मैंने कर दिया है दोनों साइड से। ये ऊपर का जो कार का शीशा भी दो साइड आगे से टूटा हुआ था, ये उसका कलर निकला हुआ है तो मैं उसको पेंट कर दूँगी ब्लैक कलर से। जैसे कार में ब्लैक शीशा लगा होता है कार, उसी तरह मैंने इसको कलर कर दिया है दोनों साइड में ताकि कार देखने में नई लगे। और ये जो आगे वाला शीशा निकला हुआ है और बैक साइड का, उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। ये देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब सूखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ओपन वाला हिस्सा है जिधर से खुला उसमें मैं मिट्टी
डाल दूंगी सॉइल, फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आप अपना मनपसंद प्लांट्स में लगा सकते हैं। आप ऐसे प्लांट लगाइए जो कहीं भी थोड़ी सी ही मिट्टी में अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये देखिए मैंने ये लगा लिया है प्लांट्स, और ये बहुत ही थोड़ी सी मिट्टी में ग्रो हो जाता है। और इसको मैं इंडोर में भी रख सकती हूँ, आउटडोर में भी। देखिए कितना प्यारा लगा है।